सिद्धार्थनगर के प्रभारी और प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते सिद्धार्थनगर जिले में आए। जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने BSA ग्राउंड में वृक्षारोपण कर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले को हरा भरा करने के लिए निर्धारित वृक्ष लगाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की बात कही। बाद में प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 दिन में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र के अलावा किसानों और नौजवानों के हित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान, नौजवानों को रोजगार और गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बेहतर पुलिसिंग के लिए भी कटिबद्ध है और इन 100 दिन के छोटे समय में सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए दोनों उपचुनाव में सपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब सपा को अंदाजा हो गया है कि वो प्रदेश में सबसे पिछले पायदान पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने राजनीतिक हैसियत खोते जा रहे हैं। 100 दिन और मैं जैसे कि मैंने अभी आपके सामने समक्ष रखा था कि 100 दिन में सभी विभागों ने जो एक कार्ययोजना बनाई थी उस कार्ययोजना को 100 दिन में कितनी पूरी हुई है इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया एक रोजगार एक बड़ा मुद्दा हमारी सरकार के लिए था और है भी और इन 100 दिनों में करीब जो थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी एक ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री जी कमलों द्वारा 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए और उसमें करीब लाखों लोगों के रोजगार 6 लाख नौजवानों के रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। एक ये बड़ा निर्णय 100 दिनों में हुआ है। साथ ही साथ 10,000 नई भर्तियां नए नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरपानी मुयोगी जी ने इन 100 दिनों में करने का काम किया है और इसके साथ ही साथ 15 करोड़ गरीब परिवारों को अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो काम हम लोग राशन दे रहे थे उसको 3 महीने बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने किया जिससे करीब 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय हमारी सरकार पर हुआ है। लेकिन हमारा संकल्प है हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारी सरकार गरीब नौजवान किसान माताएं महिलाएं उन सबको मजबूत करने के लिए काम करेगी और इन 100 दिनों में हमने जनता के बीच में आके हर विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश सरकार की 100 दिन की कार्य योजना को जनता के बीच में आपके माध्यम से रखने का काम। दूसरी बात विपक्ष आरोप लगाता 100 दिन नफरत। देखिए विपक्ष तो अब मैं ये कहूंगा कि वो हंसी के पात्र बन गए हैं क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई सोच रह गई है ना कोई उनके पास मुद्दा बचा है और विपक्ष को तो जवाब जनता ने खुद ही दे दिया है। जो विपक्ष अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में जो अपनी सीटें जो अपना मजबूत गढ़ मानता था विपक्ष जिन सीटों को उन सीटों को भाजपा ने जीतने का काम किया है तो ये सीधा सीधा जवाब विपक्ष को है कि विपक्ष की गंदी राजनीति और उनकी छोटी सोच को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकारने वाली नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।